नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम के अंदर। फ्रेंड्स, अकाउंटेंसी में हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, उसी पार्ट को आज हम कंटिन्यू करते हुए, जैसे कि हमने सीखा था कि फाइनल अकाउंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब भी हम हमारे बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हैं, तब हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अचीव करना था। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने कौन कौन सी एक्टिविटी की, किस प्रकार से एक्टिविटी की और हमें किस प्रकार का रिजल्ट मिल रहा है, वो चेक करने के लिए हम हमारे साथ एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम हमारी पोजिशन कह सकते हैं। हमने किस प्रकार का अकाउंट प्रिपेयर किया था, हमने कौन से प्रकार के, हमने बिजनेस के अंदर किस प्रकार की एक्टिविटी को हमने ज़्यादा वेटेज दिया था, वो सब देखने के लिए हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते थे। फ्रेंड्स, लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने ऐसा सीखा था कि फाइनल अकाउंट्स क्यों हम प्रिपेयर कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, कितने स्टेक होल्डर्स जो लोग होते हैं जो हमारे वीडियो हमारे फाइनल अकाउंट्स को चेक करने के लिए खुद अपने टाइम को देते हुए उस एनालिसिस करते हुए उस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से वो देखते हैं, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस क्या था उसके बारे में हमने बहुत ब्रीफ में लास्ट वीडियो में सीखा था। आज जो हम सीखने वाले हैं उसके अंदर हम ऐसा सीखेंगे कि जो पहला जो पोर्शन है हमारा फाइनल अकाउंट का, जो उसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, हम किस प्रकार से प्रिपेयर करते थे, उसका स्पेसिमेन हमने लास्ट वीडियो में सीखा था और ऐसा भी कहा था कि स्पेसिमेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द अकाउंटिंग प्रिपरेशन। हमें जो भी सीखना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सी बैलेंस कहां पे आएगी वो हमें पता नहीं रहता, इसीलिए जिन जिन्होंने स्पेसिमेन प्रिपेयर किया है उसके लिए ये हमारा फाइनल अकाउंट बनाना जो काम है वो अच्छी तरह से हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड हम वहां पर बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का जो स्पेसिमेन था उसके अंदर हमें डेबिट साइड पर और क्रेडिट साइड पर बहुत सारी एंट्री हमारे पास आती है। आपके पास टेक्स्ट बुक के अंदर, मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूं, वहां पर ये ट्रेडिंग अकाउंट का स्पेसिमेन हमें दिया गया है, पेज नंबर है 110। तो उसका टाइटल आप देखना, आप उस स्पेसिमेन को अच्छी तरह से पढ़ना, उसकी जो एंट्री है वो आपके साथ 5-7 मिनट के अंदर एक बार शेयर कर लेता हूं। टाइटल हमारा ऐसा रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्री, ब्लैंक लिखा वहां पर पार्टी का नाम लिखना है, श्री फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2020, हो सकता है 19, हो सकता है 15, हो सकता है जो डेट दे रखी हो वहां पर आपको लिखना है। डेबिट अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट में क्रेडिट साइड पर ऐसे हमें स्पेसिमेन ड्रॉ करना है। आपके पास है टेक्स्ट बुक के अंदर 110 नंबर का पेज, वहां पर दिया गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें कहाँ लिखना है वो आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर। उसके बाद दिया गया है परचेज, ठीक है, तो हमने जो परचेज किया है उसमें नेट परचेज पर हमें किस प्रकार से काम करना है वो हम आपको सिखाते हैं। परचेज में से परचेज रिटर्न की एंट्री हम माइनस करते हैं ताकि हमें पता चले। फ्रेंड्स, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि मान लो 20 लाख हमने गुड्स परचेज किया है लेकिन हमें एक्चुअली 2 लाख का तो हमने रिटर्न किया है, तो एक्चुअली नेट परचेज कितना हुआ हमारे पास 18 लाख, वो एंट्री हमें यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद जैसे गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स, सेल के अलावा हमने क्या सेल गुड्स हमारे फॉर्म में से जा रहा है, जैसे कि हमने एडवर्टाइजमेंट में दिया हो, जैसे कि हमने चैरिटी में दिया हो, जैसे कि हमने गुड्स डिस्ट्रॉय बाय बर्न या फायर, तो किस प्रकार से हमारे फॉर्म में से गुड्स जा रहा है वो हमें परचेज में से माइनस करते हुए लिखना है। तो ये फर्स्ट जो टाइटल रहा वो आपको इस टाइटल वाइज आपको सीखना है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज में से माइनस, परचेज रिटर्न, गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल, वो हमारा टाइटल रहा, ठीक है। अब जो टाइटल है हमारा एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, परचेज करते हुए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी हमें डेबिट साइड पर लिखने हैं, जैसे कि वेजेस, कैरियज इनवर्ड, रेलवे फ्रेट, लॉरी फ्रेट, पोर्ट चार्ज, डॉक चार्ज, क्लियरिंग चार्ज, डैमरेज, दरमायो, खराजत एक्सपेंसेस, वॉरफेज एटसेट्रा आर एक्सपेंसेस फॉर द परचेज। परचेज रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो हमें वहाँ पर लिख रहे हैं। फ्रेंड्स, सभी एंट्री नहीं होगी, जी जो जो हमारे पास है वो वहाँ पर आपको लिखनी है, राइट। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी है वो लिखनी है, जैसे कि प्रोडक्ट की वेजेस, रॉयल्टी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस एटसेट्रा। मटेरियल कंज्यूम, जैसे कि ऑयल एंड ग्रीस, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, वो सब वहां पर लिखना है। तो ये होगी हमारी डेबिट साइड की बात। अब क्रेडिट साइड में क्या दिया गया हमें, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल ऑफ स्क्रैप गुड, क्लोजिंग स्टॉक, वो सब एंट्री होगी हमारी क्रेडिट साइड पर। फ्रेंड्स, हम ट्रेडिंग अकाउंट का जब हम प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पर उसको हम बंद करते हुए हमें जो टोटल मिलता है
उसमें से हम जब डिफरेंस निकालते हैं और डिफरेंस यदि डेबिट साइड पर आता है तो हमें बोलना है कि वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट हमने अचीव किया है। यदि हमारे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हुआ और हमने उसको डिफरेंस हमें जो क्रेडिट साइड पर मिलता है तो हमें ऐसा बोलना है कि हमें जो मिला वो ग्रॉस लॉस हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये ट्रेडिंग अकाउंट हमें प्रिपेयर करना था तो हमने इसका स्पेसिमेन आपके सामने शेयर किया है। अब स्पेसिमेन को आप एक बार साथ में रखना, साथ साथ में एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल को भी हम साथ में सॉल्व करते हुए ट्रेडिंग अकाउंट को हम सीखने वाले हैं। पेज नंबर दिया गया आपके पास 113, इसके ऊपर दिया गया एग्जांपल, उसमें टाइटल ऐसा लिखा गया, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ भावेश। भावेश की बैलेंस शीट हमें दी गई है, उसके बेस पे ऊपर हमें प्रिपेयर करना है यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। हमने स्पेसिमेन में टाइटल लिखा था, किस प्रकार से होगा मैं आपके सामने एग्जांपल सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ भावेश, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ भावेश फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2015, ये हमारा हो गया टाइटल। अब टाइटल के नीचे हमें इसका जो स्पेसिमेन प्रिपेयर करना है वो इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर हम बनाएंगे दो साइड में, ये होगा हमारी डेबिट साइड और ये होगी हमारी क्रेडिट साइड, राइट। ये हो गया हमारा अमाउंट, ये हो गया हमारा अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हो गया हमारा स्पेसिमेन। तो फिर से हमारे दिमाग में क्या प्रिपेयर होना चाहिए कि हमें बनाना क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट इस प्रकार से हम शो करेंगे। फ्रेंड्स, अभी आज जो डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की है, इसीलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर ही ज़्यादा हम फोकस करेंगे। चलो फर्स्ट एंट्री देखिए, स्टॉक 1st April 2014। फ्रेंड्स, हमने डेट लिखा किया पर 31st March 2015, तो ये क्लोजिंग एंट्री हमारी, ईयर 31st March 2015 को खत्म होता है, तो स्टार्ट कब हुआ होगा, 1st April 2014 को, राइट। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर दिया गया, 1st April 2014 to 31st March 2015। तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि जो डेट दे रखी है हमें, स्टॉक 1st April 2014, तो ये स्टॉक दिया गया है 1st अप्रैल का, इसलिए हो गया हमारे ओपनिंग स्टॉक। आपको स्पेसिमेन पता है, आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक इन द डेबिट साइड और अमाउंट होगी हमारी 40,000, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद दिया गया परचेज, तो आपको स्पेसिमेन सिखाया था, आपको परचेज लिखना है आपको डेबिट साइड पर, यहाँ पर हो गया परचेज। इनर कॉलम में 1,64,000। फ्रेंड्स, आपको साथ साथ में बैलेंसेस को भी चेक करना है, परचेज की बैलेंस दी गई आपको डेबिट साइड पर, आपको बोलना है डेबिट कम्स इन इज इक्वल टू परचेज, राइट। परचेज के बाद दिएगा हमें परचेज रिटर्न, वो भी हमें यहाँ पर माइनस करना है। परचेज रिटर्न एंट्री होगा हमारी 10,000, माइनस करते हुए 1,54,000 हमें यहाँ पर लिखना है, राइट। ओके, तो स्पेसिमेन जिसको आता है उसके लिए बहुत काम इजी है, ओपनिंग स्टॉक परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस किया, एंट्री हो गया हमारी 1,54,000। नाउ सेल्स, सेल्स क्रेडिट साइड पर सेल्स 2,20,000, आपको स्पेसिमेन पता है 2,20,000 में से माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न यहाँ पर होगा, सेल्स रिटर्न अमाउंट होगी हमारे 20,000, तो एक्चुअली हुआ हमारा 2,00,000। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि हमें नेट सेल्स शो करना है, डेट मीन्स हमने एक्चुअली कितना सेल किया। मार्केट में ऐसा कहा जाएगा आपका 2,20,000 सेल किया, लेकिन एक्चुअली आप में से जो सेल्स था उसमें सेल्स रिटर्न आया हुआ गुड्स 20,000 था, इसलिए एक्चुअल नेट सेल्स कितना हुआ 2,00,000, राइट। उसके बाद दिए गए वेजेस, वेजेस इज अवर परचेज एक्सपेंसिस इन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 10,000। उसके बाद रेलवे फ्रेट, रेलवे फ्रेट ये भी हमारा परचेज एक्सपेंसेस, रेलवे फ्रेट 8,000। नेक्स्ट कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड इज इक्वल टू 2,000। फ्रेंड्स, आपके सामने ये शब्द पता होना चाहिए, कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड। व्हाट इज द कैरियज इनवर्ड, समझ लेते हैं यहां पर, कैरियज इनवर्ड समझना, हमने गुड्स परचेज किया है कहाँ से, अहमदाबाद से लेके हमने गुड्स आनंद में परचेज किया है, तो ये जो बीच में एक्सपेंसेस हुआ वो हमारे लिए क्या हुआ, कैरियज इनवर्ड, राइट।
हमने जो गुड्स परचेज किया था है ना, उसको हम सेल कर रहे हैं यहाँ पर, किसको? तो हम यहाँ के करमसद वाले जो हमारे कस्टमर हैं उसको हम सेल कर रहे हैं, और उसके घर पर पहुँचाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हुआ उसको कहेंगे कैरियर्स आउटवर्ड, राइट? दिस इज द कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, राइट? अब हो गया कैरिज इनवर्ड 2000 के बाद. लास्ट वाली एंट्री, कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स एज ऑन 31 मार्च 2015. आप देख सकते हो 31 मार्च 2015 वॉज 44,000, whereas its market value is ₹50,000. उसकी मार्केट वैल्यू 50,000 है. तो आप क्या कहोगे? क्लोजिंग स्टॉक है हमारे लिए 44,50,000. आपको याद करना है कि यहाँ पर 44 पे दिया, 50 दिया गया, तो जो कम वैल्यू होती है वो हमेशा हम यहाँ पर लिखते हैं. क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हमेशा होती है यहाँ पर क्रेडिट साइड पर. क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट हमारी 44,000, राइट? अब आप देख सकते हो कि फ्रेंड्स जो जो एंट्री हमें दी गई थी उस एंट्री को हमने हमारे अकाउंट के अंदर हमने शो कर दिया है. हम इसको हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पर इस साइड का टोटल ज़्यादा हुआ 2,44,000. यहाँ पर भी 2,44,000 हमें दिया गया है. उसमें से आप डेबिट वाली एंट्री माइनस करते करते चलोगे तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो होगा 30,000, और हमें इसको पहचानना है ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से. दिस इज द क्वेश्चन मार्क. तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हमने प्रिपेयर किया तो हमें क्या मिला? ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट को आपको कन्वर्ट करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर. क्रेडिट साइड पर वहाँ पर लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? तो इस प्रकार से हमें ट्रेडिंग अकाउंट को शो करना है और इसकी एंट्री आपको लिखनी है. फ्रेंड्स एक बात याद कर देना कि जो ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे नहीं बनाते हैं, हमें जो जो एंट्री दी गई है हम साथ साथ में दो अकाउंट और एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे और जिनको साथ में जोड़ते हुए इस एग्जाम्पल को लिखना था. तो आज की जो बात हुई हमारे ट्रेडिंग अकाउंट उसकी एंट्री, उसको किस प्रकार से एग्जाम्पल में सॉल्यूशन करते हैं वो आपके साथ शेयर किया है. आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप पर्सनली कॉल करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हो. थैंक यू ऑल.